ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी से बेवजह पंगा लेंगे तो हमें बहुत भारी पड़ सकता है और इस पंगे की वजह से हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मगर ये नियम सिर्फ हमारी दुनिया में ही नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ में भी लागू होता है और जानवरों को भी गलत जानवर से पंगा भारी पड़ जाता है। कभी कभी जानवर गलत जानवर से पंगा ले लेते हैं और उसके बाद जो होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे ही मोमेंट्स जब जानवरों को गलत जानवर से पंगा भारी पड़ गया। सांप और नेवले की लड़ाई से तो आप वाकिफ ही होंगे और जंगल की दुनिया में इन दोनों की लड़ाइयां अक्सर ही देखने को मिलती रहती हैं। और ऐसी ही एक लड़ाई यहां पर देखने को मिली जहां सांप को नेवले से पंगा लेना भारी पड़ गया। यहां पर एक सांप नेवले से पंगा ले लेता है और बार बार उसे छेड़ने लगता है, लेकिन जब नेवला गुस्से में आता है तो फिर ये सांप को वहीं पर ढेर कर देता है और उसे सबक सिखा देता है। नेवला सांप को बड़ी ही बेरहमी से चित कर देता है और उसे उसकी औकात याद दिला देता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ कछुए आराम से बैठे हुए थे पर तभी यहाँ पर एक कबूतर आता है और इनमें से एक कछुए को छेड़ने लगता है। मगर इस कबूतर को क्या पता था कि ये कछुआ भी सीधा नहीं बैठने वाला। जैसे ही कबूतर ने कछुए को छेड़ा वैसे ही कछुए ने कबूतर को पकड़ लिया और पानी के अंदर ले गया। इस कछुए ने कबूतर को इतनी आसानी से अपने चंगुल में जकड़ लिया कि कबूतर को भी समझ में आ गया कि आज उसने अपने बाप से पंगा लिया है। इसके बाद इस कछुए ने कबूतर को बड़ी ही बेरहमी से अपना शिकार बना लिया और इसे सबक सिखा दिया। स्लोथ ये एक ऐसा जानवर है जो बहुत ही ज्यादा लेजी होता है और ये ज्यादातर समय आराम करने में ही बिताता है। मगर ऐसा भी नहीं है कि इस जानवर में कोई खूबी नहीं होती। जी हाँ, स्लोथ के नाखून बहुत ही ज्यादा नुकीले और शार्प होते हैं जिनसे किसी भी जानवर या फिर किसी चीज को चीरा जा सकता है। मगर पता नहीं यहाँ पर इस चील को क्या सूझा और ये स्लोथ से भिड़ गई, जिसके बाद स्लोथ ने चील को सबक सिखा दिया और इस चील के शरीर पर अपने नाखून मार दिए। अब इस चील को भी समझ में आ गया कि इसने आज अपने बाप से पंगा लिया है और इसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। अगली इस क्लिप में कुछ ऊद बिलाव अपनी सबसे पसंदीदा जगह यानी कि पानी में आराम कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर एक पेड़ की डाल पर एक जगुआर बैठा हुआ था। ये जगुआर इस ताक में था कि वो इनमें से किसी एक ऊद बिलाव का शिकार कर लेगा। मगर आज जगुआर को ऊद बिलाव से पंगा लेना भारी पड़ने वाला था, क्योंकि जगुआर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऊद बिलाव जंगल की दुनिया के सबसे निडर जानवरों में से एक होते हैं। अब जैसे ही इस जगुआर ने इनकी ओर घूरना शुरू किया तो इन ऊद बिलाव को गुस्सा आ गया और ये टूट पड़े जगुआर की ओर। अब इतने सारे ऊद बिलाओं को अपने पास आता देख जगुआर डर गया और यहाँ से भाग गया। अब हमें नहीं लगता कि कभी ये जगुआर किसी ऊद बिलाव से पंगा लेगा, क्योंकि इसे पता है कि ऊद बिलाव से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। यहाँ पर एक सांप किसी खरगोश के बच्चे को खाने की कोशिश करता है और इस खरगोश के बच्चे को खाने ही वाला होता है। मगर तभी इन बच्चों की माँ को इस बात की खबर लग जाती है कि सांप उनके बच्चों को खाने जा रहा है। और जैसे ही खरगोश की माँ को ये पता चलता है कि कोई सांप उसके बच्चों के आसपास है तो वो दौड़ी चली आती है और अपनी जान की परवाह किए बगैर ही इस सांप से भिड़ जाती है और उसे काफी दूर भगा देती है। हालांकि इस समय ये खरगोश अपनी जान की परवाह तो बिल्कुल भी नहीं करती और इस समय इस खरगोश माँ के मन में बस यही चल रहा होता है कि कैसे भी करके ये सांप उसके बच्चों से दूर चला जाए। और ये खरगोश इस सांप को यहाँ से भगाने में सफल भी रहती है। अब इस सांप को भी समझ में आ जाता है कि इस खरगोश के बच्चों को अपना शिकार बनाने की गलती उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि ये सब करने से इस खरगोश की भी जान जा सकती थी, मगर फिर भी अपने बच्चों के लिए इस तरह अपनी जान की परवाह न करके सांप से भिड़ने वाले इस खरगोश माँ के लिए इस वीडियो पर लाइक तो बनता है। दोस्तों ये क्लिप रात में किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिकॉर्ड हुई, जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है। इस क्लिप में एक हिप्पो अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही गुरूर करके एक राइनोसोरस से भिड़ जाता है और उससे लड़ने लगता है। हालांकि पहले तो राइनो इस हिप्पो को मजाक में लेता है और सोचता है कि शायद हिप्पो उसके साथ मजाक कर रहा है, पर जब इस हिप्पो की मजाक कुछ ज्यादा ही हो जाती है तो फिर राइनो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद राइनो इस हिप्पो को सबक सिखाने के बारे में सोचता है और अपने नुकीले सींगों से इस हिप्पो को मारने लगता है। अब यहाँ पर हिप्पो को भी समझ में आ जाता है कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। मगर अब राइनो काफी गुस्से में होता है और वो इसे दौड़ा दौड़ा कर मारता है। आज हिप्पो ने गलत जानवर से पंगा ले लिया, जिसका भुगतान उसे बार बार मार खा कर चुकाना पड़ा। दोस्तों कहते हैं कि किसी से बेवजह पंगा लोगे तो उसका नतीजा आपको तुरंत ही भुगतना पड़ेगा, और ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिला। जहाँ एक मुर्गी आराम से चारा चर रही थी, वहीं दूसरी ओर एक गाय का झुंड भी आराम से घास चर रहा था।
पर तभी इनमें से एक गाय को पता नहीं क्या सूझता है और वो इस मुर्गी को छेड़ने लगता है। पर वो कहते हैं ना कि किसी को भी अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए वरना नतीजा गलत होगा। इस गाय ने अपने से छोटा समझकर मुर्गी से पंगा तो ले लिया मगर ये पंगा उस गाय को भारी पड़ गया और इस मुर्गी ने गाय पर उल्टा हमला कर दिया। ये दो शेर गलती से राइनो के इलाके में सो गए और वहाँ आराम करने लगे, पर इन शेरों को नहीं पता था कि राइनो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी उसके इलाके में आकर आराम करे। जिसके बाद राइनो आता है और इन शेरों को अपने सींगों की मदद से सबक सिखाता है और इन्हें ये बताता है कि ये उसका इलाका और यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी चटनी बना दूंगा। बेचारे शेर भी सोच रहे होंगे कि आज उनका पंगा किस से हो गया है। राइनो ने शेर को इतनी बुरी तरह से डराया कि उसे देखकर किसी की भी हंसी छूट जाए। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय।